नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं शिवांगी। आज की विशेष खबरों की ओर रुख करने से पहले देखते हैं बुलेटिन की मुख्य हेडलाइंस। समय की पुकार, जागृति विषय पर आईटी व्यवसायियों का सम्मेलन। ई कॉन्फ्रेंस के जरिए सूचना तकनीकी विशेषज्ञों ने कहा कि संकट में भी सूचना तंत्र का अहम योगदान। संस्थान के आईटी प्रभाग का आयोजन। प्रशासकों के सम्मेलन में बोले प्रशासक और प्रबंधक, व्यक्तिगत जीवन के विकास से प्रशासकीय कार्यव्यवहार में मिलती है सफलता। इसके लिए जरूरी है राजयोग ध्यान का जीवन में समावेश। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर इंटरफेथ फोरम का आयोजन। तो महेश्वरी महासभा ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कैनेडा चैप्टर के द्वारा परिवार में खुशी बढ़ाए विषय पर मोटिवेशनल टॉक। आज बुलेटिन की शुरुआत ब्रह्म कुमारी संस्थान के आईटी प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ई सम्मेलन से करते हैं। दरअसल ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी प्रभागों के द्वारा हर साल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन तथा टीवी चैनल में प्रसारित कार्यक्रम के जरिए ही हर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान बताने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो मेडिकल विंग और प्रशासक सेवा विंग के बाद आईटी विंग द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय रहा अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम। इस ई सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, ब्रह्मा कुमारीज में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके चार्ली समेत अनेक विद्वानों ने अपनी शुभकामनाएं दी। आईटी ने हमेशा इन टाइम यानी समय पर दुनिया की मदद की है। जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी आईटी हम सभी को तैयार रहने में तत्पर रहा है। माई थॉट्स, माई फीलिंग्स, माई रिएक्शंस, माई मेमोरीज, माई रिलेशनशिप्स, माई होल लाइफ मीट्स इन माई माइंड। हाउ इम्पोर्टेंट इज माई माइंड? And it's my mind that holds the energy of thought, this unseen world, which is influencing absolutely everything on this planet. This is my third IT conference at the Brahma Kumaris. The first two were in the beautiful settings of Shantivan in Mount Abu. This one is digital. And it is such a reflection of the times that we are in. We are physically locked up and limited in so many ways. But there has been never a better time to experience the freedom of connecting with our inner self. Let me share my experience with Brahma Kumari. So my journey started last year when I was exploring about meditation. And in fact, I have been to different places to learn about meditation. However, I was still not satisfied because sitting in a silence for a long, it was not at all easy. ब्रह्म कुमारीज के प्रशासक प्रभाग द्वारा फेसिंग चैलेंजेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर आयोजित ई कॉन्फ्रेंस का समापन ब्रह्म कुमारी संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर, प्रभाग के अध्यक्ष बीके आशा, जापान और फिलीपींस के राष्ट्रीय संयोजिका बीके रजनी समेत कई प्रतिष्ठित लोगों के संबोधन से हुआ। इफ यू कैन लीड पॉजिटिव and meaningful lives, that means you are sowing the seeds of good karma in your actions, and good karma seeds, they will definitely bring you fruits of your good karma in this life as well as in future. अपने स्वराज अधिकार की सीट पर सेट हो जाए तो आपके अंदर स्वमान जागृत होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, सेल्फ एस्टीम, और आप उस एनर्जी से
अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। Let us then journey inward into the inner world of ourselves. Through the medium of this conference facilitated by the pioneering work of the Brahma Kumaris. तो मेडिटेशन का सिंपल अर्थ यही है कि स्वयं और सुप्रीम सोल दोनों को जानना, पहचानना और अनुभव करना। समापन से पूर्व व्यवहारिक जीवन में राजयोग विषय पर बीके सदस्यों में दिल्ली जोन में प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके लक्ष्मी, जयपुर से एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके पूनम तथा अतिथियों में अतुल इंडस्ट्रीज के निदेशक बीके भरत समेत अन्य लोग शामिल हुए। हमारी बुद्धि विचलित ना हो, हम राग द्वेष में प्रभावित ना हो, हम क्रोध अहंकार से रहित हो, तब हमारा मन शांत स्थिर और समस्याओं के समाधान में कार्य करेगा। The spiritual approach, it can be understood with the help of an analogy. When a ship is going to its destination in the sea, it is in the mid-sea where the wind blows from any direction and it cannot control that. However, an expert sailor will always adjust the sails such that the ship will go in the direction towards its destination. आगे महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र और धार्मिक प्रभाग द्वारा रिलीजियस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के रामनाथ, जोनल कोऑर्डिनेटर बी के सोमप्रभा, तरुण भारत न्यूज़पेपर के पूर्व चीफ एडिटर विवेक घनसाथी समेत अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सारे विश्व के अंदर ऐसी एक संस्था है जहां आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आत्मा क्या चीज है, यह आत्मा कहां से आई, यह आत्मा शरीर के अंदर कहां है, कैसे शरीर छोड़ के कहां जाती है, इन सब का ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विस्तार से मिलता है। ऑनलाइन संत सम्मेलन धार्मिक लिया है उसको मेरा आशीर्वाद है। कोट कोट गुणांश है, आपका होश बढ़ने दो, आपकी प्रेरणा स्त्रोत्र जो है योग वो बढ़ने दो और सब दुनिया में ओम शांति बढ़ना चाहिए। आज हम बेचैन क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम प्राप्त स्थिति में आनंद से जीना भूल गए हैं। अधिक पाना चाहते हैं, अधिक कमाना चाहते हैं। जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में संतोष से रहना संतोष है। गुजरात के राजकोट सेवा केंद्र के द्वारा नियम संयम से स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने कहा कि लगातार बढ़ती समस्याओं के चलते स्वयं को निर्भय बनाने, खुश व तनाव मुक्त बनाने के लिए अपने पास अच्छी पॉइंट्स का सिलेक्शन रखें। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके अंजू और बीके किंजल समेत अनेक बहनों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर सेवा केंद्र के द्वारा कलेक्टर मंत्रणा ऑडिटोरियम में विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता, पाथलगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलू, कुंकुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती ने श्रेष्ठ ज्ञान के चिंतन एवं राजयोग के बल से तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाई और सभी के निस्वार्थ कार्यों को सराहते हुए प्रोत्साहित किया। चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पी सुथार ने संपूर्ण स्वास्थ्य में राजयोग की कितनी अहम भूमिका है इस पर प्रकाश डाला तो सब इंस्पेक्टर सौरभ चंद्राकर ने भी वर्तमान समय इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर नशा मुक्त संस्कार युक्त दिव्य समाज निर्माण विषय पर हरियाणा में कादमा के झुंझु कला सेवा केंद्र पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सामाजिक दूरी के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में SHO दलबीर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने कहा कि जब तक माँ बाप संस्कारों से युक्त पीढ़ी का निर्माण नहीं करेंगे
तब तक नशे के खिलाफ आंदोलन को गति नहीं मिल सकती है। इस कार्यक्रम के संचालक हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड के जिला मीडिया प्रभारी बिशन सिंह आर्य ने युवा पीढ़ी से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। अंत में सभी पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं राजस्थान के रानी सेवा केंद्र के सोमेसर उपसेवा केंद्र के द्वारा पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया, जिसके अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीके सोनू, बीके प्रियंका, बीके उमा, बीके सरस्वती समेत अनेक सदस्यों ने ग्राम पंचायत भादरलाओ के सभी कोरोना वॉरियर्स का मनोबल व उत्साहवर्धन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सम्मान किया गया तथा परमात्मा शिव के अवतरण की जानकारी दी। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर इंटरफेथ फोरम का आयोजन ब्रह्म कुमारीज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, सोका गोकाई इंटरनेशनल समेत अनेक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस वेबिनार का आयोजन कोरोना के बढ़ते प्रभाव तथा नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें यूरोप एवं मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती, वेलेरियन बर्नार्ड समेत अनेक विद्वान शामिल हुए। आई सी ऑल अदर्स विद दैट विजन ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, all of us in harmony with the self, with each other, but also harmony with all forms of life and harmony with nature itself. We were very coherent and I would say also collective work. What is interesting, and I can just finish on that, is in the preamble of the Paris Agreement, you have very strong human rights elements. We wanted it into the operative part, that's the part we've lost, but what we didn't lose is getting a very clear and the strongest reference to human rights in any environmental treaty up to date. ब्रह्मा कुमारीज के फिलीपींस सेवा केंद्र के द्वारा डिसहर्टमेंट टू ऑप्टिमिज्म विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सैन फ्रांसिस्को की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस और अवार्ड विजेता मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रेने समानिगो ने महामारी के दौरान लोगों की मानसिक स्थिति में आए बदलाव पर चर्चा की। बीके डेनिस ने कहा कि मैं हर परिस्थिति में आशावादी हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक सच्चाई को गहराई से समझती हूं। वहीं डॉक्टर रेने ने महामारी की तुलना एक बुरे स्वप्न से की और एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। Who just living around the COVID-19, taking care of themselves and to protect themselves as best as they can. Because if you get tested or not tested, anyway, there's no cure. महेश्वरी महासभा ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कनाडा चैप्टर के द्वारा एनहेंसिंग जॉय इन आवर फैमिली विषय पर मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और मैनेजमेंट कंसल्टेंट बीके डॉक्टर सुनीता मुख्य वक्ता के तौर पर सम्मिलित हुई। तो चलिए, परिवार में खुशहाली कैसे लाएं, ये सुनते हैं बीके डॉक्टर सुनीता से। सो दैट आई एटीट्यूड हैज टू बी चेंज्ड टू वी एटीट्यूड। So if we change this attitude of we, that each and every one is important, then we can increase the joy in the family. इस वेबिनार के दौरान महेश्वरी महासभा ऑफ नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट विकास बुधड़ा समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे और बी के डॉक्टर सुनीता का आभार माना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।